जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के गाहर्स घाटी में पेउकर गांव में सदियों से गोची उत्सव बेटियों के जन्म पर मनाया जाता है। इस वर्ष 4 फरवरी से 8 फरवरी तक यहां गोची उत्सव मनाया गया। इस दौरान गांव के लोग मुख्य देवता तंगजर की विशेष पूजा अर्चना के साथ बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कामना करते हैं। देवता की पूजा के बाद शाम को तीर कमान का खेल भी खेला जाता है। गांव के युवक छेरिंग तशी छरजीपा ने बताया कि गांव में बीते एक वर्ष में 3 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा है। इससे गांव में 3 घर में गोची उत्सव मनाया गया। हम पीकर गांव में आए हैं और इस गांव की विशेषता ये है कि सदियों से यहां पे जो गर्ल चाइल्ड जब उसका जन्म होता था तो सेलिब्रेशन की जाती है। आज आप देख रहे हैं हम एक सेलिब्रेशन में ही हैं। यहाँ पे इस साल में 2 गर्ल चाइल्ड की बर्थ, 2 गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ था और 1 मेल चाइल्ड का भी। तो यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो, सेलिब्रेशन सिमिलर होती है। तो इस तरह का जो अनुभव है फर्स्ट टाइम हमको मिल रहा है और लाहौल में और शायद हिमाचल में ये पहला ही गाँव है जहाँ पर ये सेलिब्रेशन जो है वो सदियों से चल रही है। जिसमें वैसे तो आप पूरे लाहौल में देखेंगे वहाँ गर्ल और बॉय में कोई ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है, सभी को बड़ा हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं। खासकर इस गांव में एक सेलिब्रेशन डिफरेंट है जो कि गर्ल चाइल्ड के होने से होती है। थैंक यू सो मच। मैं पीकर गांव का स्थायी निवासी हूँ जी। जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल गारबेली में हाल ये बहुत उत्सव मनाया जा रहा है सारी जगह, लेकिन पीकर गांव एक ऐसा गांव है जहाँ पर बेटी के जन्म पर ही नहीं बेटी के जन्म पर भी मनाया जाता है ये त्यौहार। ये हमारे सदियों से आ रही परंपरा है और इस चीज़ पे हमें गर्व भी होता है कि जो हमारे बुजुर्गों ने जो ये बेटी के भी जन्म होने पर भी ये त्यौहार मनाया जाता है। आज देश के अधिकांश भाग में देखा गया है कि बेटी को या तो बोझ माना जाता है या तो घर में ही मार दिया जाता है। ये एक उन लोगों की गलत और छोटी सोच है जो बेटी को छोटा था कम आंका जाता है, और हमारे लिए गर्व की बात है यहाँ पर बेटी को भी समान दर्जा दिया जाता है। ये बाकी लोगों के लिए एक मिसाल पेश है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से मोहर सिंह पुजारी की रिपोर्ट।